हेलो दोस्तों, ये देखो हम फिर आ चुके हैं जंगल में। और ये देखो आंटी आगे आगे फिर से जा रही है और हम आंटी के पीछे पीछे जा रही है। और ये देखो छोटी सी परी जा रही है, ये देखो गौर से देखो आप, परी भी जा रही है हैं। और धूप हो रही है इस टाइम बहुत तेज, हम धूप में जा रहे हैं। और फिर हमने पकड़ लिया है शॉर्टकट रास्ता, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा था हमारा शॉर्टकट रास्ता, वैसे ही हमने फिर दोबारा पकड़ लिया है क्योंकि शॉर्टकट रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाते हैं इसलिए। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं पीर बाबा के मंदिर में। ये देखो आप, पीर बाबा के मंदिर में अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखो पीछे डाल देंगे, आज इन्होंने प्रसाद की वो नहीं रखी क्या दुकान, यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर रखते थे शायद, शायद है ना। क्या करें, प्रसाद चढ़ाएं कि पैसे चढ़ा दें। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ना धूप बत्ती की जाती है, अंदर इसलिए नहीं करते क्योंकि अंदर काफ़ी वो हो जाता है ना, जैसे फूल वगैरह प्रसाद धूप बत्ती तो ज़्यादा जगह गिर जाती है, इसलिए बाहर धूप बत्ती करते हैं, प्रसाद भी बाहर ही चढ़ाते हैं। साईं बाबा की मूर्ति है, ये देखो साईं बाबा जी बैठे हुए हैं। आज हम जल्दी आ गए हैं दोपहर में, इसलिए यहाँ पे कम भीड़ है, शाम को ज़्यादा होती है। परी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ परी, बाबा जी मत्था टेक, मत्था टेक बाबा जी। ये देखो परी मत्था टेक रही है, आज परी मंदिर में आई है। पिछली बार परी को लेके नहीं आए थे हम, परी की मम्मी को लेके आए थे, तो परी बोल रही थी वीडियो देख के किरण आंटी मुझे नहीं लेके गई, तो मैंने बोला चल आज चलते हैं। तो आज परी हमारे साथ आई है पीर बाबा के मंदिर पे। ये देखो कितनी छोटी सी गुड़िया है, हम मत्था टेक रही है। ये देखो परी को कितनी समझ है, कितनी समझ है भाई, छोरी देखे। परी प्रसाद नहीं लाई थी तो बोल रही थी कि मेरे पास ये पैसे हैं, ये माता को चढ़ा दो। ये देखो तो आजकल के बच्चे लोग अब क्या कर रहे हैं, परी ने अपने पैसे काली माता को दे दिए। ये परी देखो कुछ मांग रही है, माता से प्रार्थना कर रही है कि माता रानी मुझे सद्बुद्धि दो, ऐसी खुश रखे, ऐसे मांग रही है ना। किसके लिए मांग रही है, मेरे लिए मांग ले, ये बोल दे कि किरण आंटी को कामयाब कर दो माता रानी, ऐसे बोल। वो चल गया। माता से क्या मांग रही है परी, क्या मांग रही है, टॉफी खाई नहीं अभी तक कैसा वो कर रही है परी। ये गोरखनाथ जी की हवन करने वाला वो है मंदिर, जो जिसमें हवन करते हैं।
जी बाबा जी की पोटली है, इन्वर्टर चीज जो भी है, क्या बोलते हैं, लाइट का इन्वर्टर है, पता नहीं क्या है, वो चालू हो गया है। हेलो दोस्तों, हम पीर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि छोटी सी गुड़िया परी ने किस तरीके से भगवान के सामने मत्था टेका और कितनी समझ है उसको। छोटी सी गुड़िया को बोल रही थी कि मैं प्रसाद नहीं लेके आई, तो उसने अपने पैसे चढ़ा दिए, जो उसके पास 1 रुपया था वही उसने काली माता के मंदिर में चढ़ा दिया। ये देखो कितनी समझ है उसको, ये देखो। और बार बार मत्था टेक रही थी भगवान के सामने, बार बार मैं परी को पूछ रही थी, मेरी बेटा क्या मांग रही है, तो वो बता नहीं रही थी कि मैं क्या मांग रही हूँ। मैं इसको बोली कि अपने दे बोल रही, क्या मांग रही थी, क्या मांग रही थी परी, भैया। परी अपने लिए भैया मांग रही थी, क्योंकि वो छोटी सी है ना, तो खेलने के लिए उसे भाई चाहिए। अपने दो हो जाएंगे, कोई नहीं, भगवान सुनेगा, पीर बाबा सबकी सुनता है। तो परी, ओ परी तो बहुत छोटी सी है, खुद भगवान का रूप है वो, तो उसके लिए जल्द से जल्द भगवान उसकी मन्नत पूरी करे, उसका भाई आ जाए एक छोटा सा। भैया चाहिए आपको खेलने के लिए। अच्छा, वो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही चाहिए आपको। परी कह रही है कि मुझे छोटा सा भाई चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। खेलने के लिए ऐसे पैदल नहीं चलता, फिर बेटा वो गोदी में चाहिए ना, गोदी में आप ही नहीं चल रहे पैदल, गोदी वाला भाई चाहिए ना, बिल्कुल छोटा सा। हेलो दोस्तों, ये देखो मौसम कितना प्यारा हो चुका है। अब जब हम गए थे ना, जब धूप बहुत तेज थी उस टाइम, और अब शाम हो चुकी है। ये देखो, ये बाहर सोसाइटी के बाहर है, ये लड़के खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। काफ़ी लड़के हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी के, यहाँ पर बड़े बड़े लड़के मैच खेल रहे हैं। और अभी हम ट्रेन के पास, ट्रेन की पटरी के पास वीडियो बना रहे थे इंस्टाग्राम की, तो काफ़ी लड़के हमको देखने लग गए, तो हम शर्मा के जल्दी आ गए। हमने आज सर पे की वीडियो बनाई, और वीडियो ही नहीं बनाई इंस्टाग्राम पे। गाड़ी चलती है, गाए रे गाए गाए गाए। हम पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी के 2 नंबर गेट पे, 1 नंबर गेट वहाँ पे था, तो आप देख सकते हो अब हम 2 नंबर गेट पार कर चुके हैं। और ये देखो परी मेरे से जिद पकड़ रही थी, गोदी ले लो, और मैंने इसको ना थोड़ा सा पीठ पे बिठाया था, फिर मैंने उतार दिया उसी टाइम, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, वहाँ पे काफ़ी लड़के देखने लगे थे, इसलिए फिर मैंने बोला परी को चीनी की बोरी, शक्कर की बोरी ले लो 5 किलो की, किसी ने नहीं लिया इसको। ये देखो परी प्रसाद खा रही है। आंटी की एक फ्रेंड मिल गई अभी, कोठी वाली, तो आंटी अपनी फ्रेंड के पास बैठ गई है, बातें करने लग रही है। और हम, मैं और मोनिका दीदी, हम दोनों और परी, हम तीनों पैदल पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आंटी की फ्रेंड तो रहेगी पीछे, और आंटी भी रहेगी फ्रेंड के साथ। ये देखो आंटी अब आई अपनी सहेली से बातें कर करके। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे पीर बाबा के दर्शन करके। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट।